हेलो एवरीवन, DSSSB शिक्षक भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें शॉर्ट नोटिस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था। डिटेल में एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है, क्या योग्यता रहनी चाहिए, आयु क्या रहेगी, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। सभी राज्य जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 863 वैकेंसी रहेगी, बिल्कुल सरकारी परमानेंट वैकेंसी आई है। तो अगर हम देखते हैं इसकी मेन वेबसाइट, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, आप लोगों को होम पेज पर ही जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा। सबसे ऊपर बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है। तो 17 नवंबर 2023 को जारी कर दिया गया वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 3/23, इसे आप याद रखेंगे। तो अभी जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो के बने रहें। जिसमें भी आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो आयु, योग्यता, चयन कैसे होगा, इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन जो है किस कैटेगरी को कितना मिल रहा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि DSSSB का जो है वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग पदों पर जो है वैकेंसी आती है। 10th 12th स्नातक BEd स्टूडेंट यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यहां पर जो वैकेंसी नोटिस है एडवर्टीजमेंट नंबर 3/23 है, और शॉर्ट नोटिस जब जारी हुआ था मैंने आपको बता दिया था, 21 नवंबर यानी कल की ही डेट से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना होगा। 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट रहेगी। 1 महीने का समय मिलेगा, यानी आप आराम से जो है फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसी कितनी है ये बताई गई है। टीचिंग पदों पर कितनी वैकेंसी है, तो जो कि हम शॉर्ट नोटिस में भी बात कर चुके हैं, 863 पद है सरकारी परमानेंट वैकेंसी है। ये इसकी जो है मेन वेबसाइट है। मैं हमेशा जो है जो भी वैकेंसी होती है तो लिंक आप लोगों को मेन वेबसाइट का जरूर शेयर करती हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोग देखा करें, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है मेन वेबसाइट पर पहुंच सकें, जिस भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। अभी जो है डिटेल में यहाँ आप लोगों को दिखाई देगा। तो पहले नॉन टीचिंग पदों पर डिटेल में जो है जानकारी दी गई है, हम यहाँ पर देखेंगे टीचिंग पदों पर। तो यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 22 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में BEd चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। साथ में जो है यहाँ CTET पेपर 2 क्लास 6 से 8 तक का पास होना चाहिए। पे स्केल की अगर हम बात करें, तो 44,900 बेसिक पे रहेगी और 1,42,400 तक, यानी लेवल 7 के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एज जो है यहाँ पर 30 साल कही गई है स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दिया गया है, उसे भी हम देखेंगे। कंप्यूटर लैब या IT असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th आपका होना चाहिए कंप्लीट, ए लेवल फ्रॉम DOEIC या फिर इसके समकक्ष योग्यता आपकी होनी चाहिए। स्पीड जो है आपकी 8,000 की डिप्रेशन पर आवर प्रति घंटा मांगी गई है। यहाँ पर पे स्केल की अगर हम बात करें, तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। एज यहाँ पर कही गई है 27 साल। नेक्स्ट, 10th पास कैंडिडेट के लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है दिल्ली जल बोर्ड में। तो DSSSB की तरफ से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है 37, केवल मांगा गया है 10th पास होनी चाहिए। पे स्केल जो है 18,000 से लेकर 56,900 रहेगा। उम्र यहाँ पर रहने वाली है 18 से लेकर 27 साल। एज रिलैक्सेशन जो कि हम देखेंगे नीचे ही जो है हमें ये चीज दिखाई देगी। नेक्स्ट जो है मैट्रोन की वैकेंसी, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। कुल 62 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। 12th पास होना चाहिए, हाइट 157 और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल फिट जो है आप लोगों का, यहाँ पर जो आईज वगैरह है 6x6 मांगा गया है, ठीक है।
बाकी जो है आप लोग और भी देख लेंगे। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है और यहाँ पर पे स्केल 21,700 से 69,100 मैट्रोन के लिए है। मेल कैंडिडेट जो है वार्डर के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर 271 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व 164 है, 21 ओबीसी की है, एससी की 18 है, एसटी की 26 है और ईडब्ल्यूएस की है 42। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन कहा है 12th, हाइट जो है 170 मांगी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है मेडिकल स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल फिट जो है आपका होना जरूरी है, ठीक है। और भी चीज़ें जो कि आप देख लेंगे, एडवर्टीजमेंट का जो लिंक है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे। एज लिमिट 18 से 27 है और यहाँ पर वार्डर के लिए 21,700 से 69,100 जो है पे स्केल रहेगी, जैसे मैट्रोन की थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री या फार्मेसी या बायो केमिस्ट्री में होना चाहिए, 1 साल का जो है यहाँ अनुभव भी मांगा गया है। सैलरी जो है 35,400 बेसिक पे रहेगी, 30 साल जो है यहाँ पर उम्र कही गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, जितनी टीचिंग पोस्ट हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप लोग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अच्छे से देख सकें। तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, आराम से फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ पर जो है किसी भी राज्य के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, यदि एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें जो भी मांगी गई है उसे फुलफिल करते हैं। लास्ट डेट 20/12/2023। कैसे अप्लाई करना है, मेन वेबसाइट पर जाना है, कल से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं आप लोगों को अप्लाइंग ऑनलाइन के। नेक्स्ट ऑनलाइन ही आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपये फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की कोई फ़ीस नहीं है, यानी मात्र 100 रुपये फ़ीस है जनरल ओबीसी की। चयन कैसे होगा, तो एग्ज़ाम रहेगा आप लोगों का, 1 टीयर जनरल का पेपर रहेगा, उसके बाद जो है टेक्निकल पार्ट का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टीचिंग का जो रहेगा यहाँ पर, तो ये भी 200 मार्क्स का रहेगा, यानी 200 मार्क्स का ही जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ टाइप के जो है क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। जनरल में जो पेपर सभी के लिए समान होगा, जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के होंगे, हिंदी इंग्लिश के होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट सिलेबस जो कि मेन वेबसाइट पर ही आप लोगों को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। अभी एज रिलैक्सेशन जो है आप देख लें यहाँ पर एससी एसटी ग्रुप बी और सी के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लें, ऊपर मैंने आपको दिखाया था ग्रुप बी और सी की अलग अलग पोस्ट हैं। तो एससी एसटी 5 साल की छूट है, ओबीसी 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी 10 साल की छूट है सामान्य। उसके अलावा अगर एससी एसटी में है पीडब्ल्यूडी तो 15 साल की है, ओबीसी में है तो 13 साल की है। तो यहाँ पर जो है सामान्य कैटेगरी की जो वोमेन है उनके लिए कोई छूट यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा विडो डाइवोर्स्ड वोमेन, ठीक है, इनके लिए जो है ग्रुप सी की पोस्ट में है छूट 35 ईयर, अप टू 40 ईयर है एस सी एस टी के लिए और ओबीसी के लिए 38 है, ठीक है। तो ये जो है 42 पेजों की पीडीएफ फाइल है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होती है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर आप फिल करना चाहते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट जो है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, फार्मासिस्ट की जो है यहाँ 42 वैकेंसी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की जो है यहाँ पर 15 वैकेंसी हैं, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस की जो है यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर असिस्टेंट ग्रुप 4 में टेक्निकल 1 वैकेंसी है, 90 वैकेंसी सब स्टेशन अटेंडेंट की है जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर की 53 है, जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर की 12 है, ड्राफ्ट्समैन की 1 है, वायरलेस रेडियो ऑपरेटर की 1 है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 1 है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 है, जूनियर लेब असिस्टेंट 7 है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं
नर्स ग्रेड ए की 90 हैं, स्पेशल एजुकेशन एजुकेशन टीचर की 22 हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहें, 22 वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 37 हैं, और मैट्रोन के लिए जो फीमेल के लिए है 62, वार्डर के लिए वैकेंसी 271, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री 5 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर की जो है 8 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।